हार्ड लक भाई लोगों, क्या कहां कमी रह गई हमारे वैक्सीन उमंग और रिटर्न पाजी ने अच्छे खेले आज। कमी तो कुछ कह नहीं सकता, बाकी सब गोट प्लान था, नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रिपेयर करके। सारे ही प्लेयर आपके मैं देख रहा था कि जो प्रैक्टिस कर रहे थे और आप भी मैच खेल सकते थे, लेकिन आपका भी बीच में हुआ कि आप इस टीम का कोचिंग करेंगे लेकिन आप खेलोगे नहीं। लेदर बॉल जो प्लेयर चुने गए रील्स में नेट पे फाड़ रहे हैं, मतलब कि विक्की की बॉल, मतलब ऐसी बैटिंग दिख रही थी कि ये टीम सबसे स्ट्रांग है, लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हुई हमें, हमारे पास लेदर प्लेयर्स है, टेनिस प्लेयर में बॉल फंसता है, स्लो खेलने की आदत नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम इस चीज की प्रिपरेशन करके आएगी। तो अभी लगता है कि अब तो सारे चांसेस खत्म हो गए, तो चांसेस खत्म हो गए तो सीजन टू में आप जीतोगे पक्का, कंफर्म है। बॉल जो आपने मैंने देखा जो इस गेम को अभी यहाँ पे ना थोड़ा गुडलैंड पे बॉल जो निकाल रहा है, ज्यादातर प्लेयर स्लिप पे कट पे या विकेट कीपर के पास बॉल जा रही है, आपके बॉलर सारी बैट पे डाल रहे हैं, आगे खिला रहे हैं जो रन पड़ रहे हैं उनके। जैसे कि मैं कह रहा हूँ लेदर प्लेयर सर्वर ज्यादा है थोड़े, तो उनका लेदर बॉल में क्या होता है कि एक्चुअली गुड लेदर बॉल स्विंग होता है तो उनको उनकी आदत है। अब टेनिस का बॉलर ऑफ स्टंप पे कटर फैक्टर हो तो उनकी आदत बिल्कुल नहीं है, हमारे बैट्समैन भी इन्हीं की वजह से फंसे। आज अभिषेक मल्हान जीरो पे आउट हुए और थगेश ने बहुत सारे रन खाए, छक्के खासकर ज्यादा, तो क्या कहीं ना कहीं आप इन दोनों वजहों को मानते हैं कि भाई नहीं नहीं, 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 नहीं प्लेइंग 11 हमारे सबकी गलती है, जीतते सब जीतते हारते सब हारते, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इन्हीं में मतलब इस चीज की हर प्लेयर्स की जो प्रिपरेशन होगी। और आज ना थगेश यहाँ पर आए ना अभिषेक मल्हान आए, तो इसका क्या मतलब समझे हम भी ये तो और मीडिया से बचते दिख रहे हैं अभिषेक, किसी भी मीडिया ऐसा कुछ नहीं है, बाहर इंटरव्यू हो रहा है उनका, अब लाइव देखो। अच्छा मतलब जो चलो ये तो हो गया, लेकिन जो गेम अभी दिख रही है जिस हिसाब से अब आगे प्रो गेम खत्म ही हो गई है तकरीबन बेंगलोर की, और प्रैक्टिस में कमी रही क्या, क्योंकि ब्लॉग में तो मस्ती मजाक दबादार तो ब्लॉग आ रहे थे, लग रहा था कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है यहाँ पे। जी इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने मिला अपने को एंड कमिंग सीजन में इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब खराब एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता और इम्प्रूव करता है खुद को। एंड आप क्वेश्चन ये जो कर रहे हो आप हर कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो कि प्रोफेशनल प्लेयर है रील्स बनाते हैं, ये वो ठीक है, अब वो हमारा प्रोफेशन है वो हम कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो लॉस हो रहा है यहाँ पर जो हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। 100% देखो सब अपना 100% देना चाहता है, सब चाहता है कि जीते आकर, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्राउंड में एक चीज और भी दिख रही है, मैं चाहूंगा बहुत ही ईमानदारी से उसका जवाब दे, एक कप्तान नहीं दिख रहा इस टीम के अंदर, फील्ड लगाते हुए जचाते हुए प्लानिंग देते हुए, केतन पटेल भी कई बार आ जाते हैं ये करो वो करो, तो कप्तानी में मुझे दिखा कि कप्तान अभिषेक मल्हान है, लेकिन 3-4 कप्तान इस बेंगलोर में घूम रहे हैं जो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं लीडर हूं मैं दिखना चाहता हूं, तो ये दिख रहा है इसके अंदर, शायद आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कोई किसी को प्रूव करना नहीं चाह रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसमें क्या पोटेंशियल है क्या कैलिबर है, यहाँ पर ये है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है हमारे डगआउट में, सो इसलिए सब चाहते हैं कि अपना बेस्ट दे सो दैट अभिषेक भैया को हेल्प हो सके और वो बेटर परफॉर्म कर सके, पूरी टीम बेटर परफॉर्म कर सके। भाई आप कुछ नहीं बोले, आप कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस। वी विल ट्राई आवर बेस्ट नेक्स्ट सीजन। चार मैच लगातार चार हार, बेंगलोर का हार का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा या कुछ जीत के साथ एंड करना चाहोगे? बिल्कुल जीत के साथ एंड करना चाहेंगे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जो नहीं चाहेगा कि जीतना, इनफैक्ट हम फर्स्ट मैच से चाह रहे हैं जीतना, बट कभी सिचुएशन अपने हिसाब से नहीं आ रही, कभी कुछ हो रहा है, बट बहुत कुछ सीखने मिला इस टूर्नामेंट से, बहुत सारी नई चीजें थी हमारे सामने जो चैलेंजेस बनकर आई, एंड आई एम श्योर बहुत बढ़िया बाउंस बैक करेंगे। हमने देखा कि लखनऊ की बैटिंग हमेशा से अच्छी सी आ रही है, तो आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान करी थी इस मैच के लिए पर्टिकुलरली जो फेल हो गई, और जो जिस तरह आपका बैटिंग लाइनअप शुरू में आपको स्टार्ट अच्छा मिला पर वो कैरी ऑन नहीं कर पाया, तो उसके बारे में बेसिकली हमने उतना स्कोर बनाया ही नहीं कि जो हम प्लान करें लखनऊ के बैटिंग का, हाँ, जो स्ट्रेटेजी बना है वो उसको हम प्ले में ला पाए, क्योंकि आपको पता है कि पहले कम से कम 150 या 200 बने तब तो कोई स्ट्रेटेजी काम करे वहां पर, तो पहले बैटिंग में हम थोड़ा लैग कर गए नो डाउट, वो तो मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ, बट हाँ दाद देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, मतलब कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा मीना भाई को जिन्होंने आकर 5 विकेट ली और बहुत ही ताबड़तोड़ बोली, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला किस तरह से कटर मारना क्या करना है। आई एम श्योर सर से नेक्स्ट सीजन लगता है कि कैप्टन चेंज होगी कि सेम कैप्टन? नहीं नहीं सेम कैप्टन। सर आपसे एक सवाल है क्योंकि काफी बारीकियां जानते हैं क्रिकेट की, विक्की की बॉल पे मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी जो स्ट्रॉन्ग है, हाइट में अच्छे है, बॉडी बिल्डर है, काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, टाइमिंग की गेम है ये या कोई पावर की गेम है? ये पावर की गेम है, तो ये कुछ समझ आया होगा कि इस बार थोड़ा ये बिल्कुल समझ आया क्योंकि विक्की का बॉल थोड़ा फंस के आता है, रुक के आता है, लेदर का बॉल तेज आता है, तो लेदर के बॉल से हम टाइमिंग पावर दोनों लगता है, पर इस गेम में आपको पावर चाहिए इस गेम में पावर। स्टार्टिंग में जो है जब पहली विकेट पहली बॉल पे हुई थी तो चलो उसके बाद जो एकदम से रन बने
पॉसिबिलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, लेकिन क्या हुआ कि 90s के बाद एकदम दो से जो हमारे विकेट हमारे बैट्समैन थे ना वो अब मैंने बताया आपको कि विकेट को फंसता है उसके वजह से तो स्ट्रॉन्ग पर हम नेक्स्ट सीजन इस चीज की प्रिपरेशन मतलब नेक्स्ट सीजन कुछ तगड़े प्लेयर दिखने वाले बैंगलोर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ओके लास्टली किन दो टीम को आप फाइनल में देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू नाउ मुंबई और लखनऊ आज के मैच में बिल्कुल भी आपकी बॉलिंग में ढाल दिखाई नहीं दी कि एक भी विकेट आप ले नहीं पाए जैसे कि बोला टारगेट इतना दिया नहीं हमने तो क्या टारगेट तो जब भी था लेकिन एक या दो विकेट के लिए भी आप लोगों ने कोशिश नहीं की मैच बिल्कुल सामने वाली टीम ऐसा तो नहीं है कोशिश नहीं करी कोशिश करी है एक बॉम्बे के खिलाड़ी पे भी आपने एक स्टोरी लगाई है अपनी टीम द्वारा कि वो भी काफी प्रोफेशनल खेलते हैं स्टोरी शेयर भी करी है आपके पेज द्वारा कि वहां पे हमारे तो इसके बारे में हमें उतना ज्यादा आइडिया है नहीं आइडिया होता तो जरूर आंसर ठीक है सर थैंक यू सो मच